हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल सूद। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम अपनी इमेज की बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर की मदद से और बिल्कुल आसानी से हम अपनी इमेज की बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करके एक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये मेरी एक आप इमेज देख रहे हैं, इसके पीछे जो बैकग्राउंड आपको शो हो रही है मैं उसे चेंज करना चाहता हूँ, एक ब्यूटीफुल बैकग्राउंड लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसे कैसे रिमूव करूँगा और नई बैकग्राउंड कैसे लगाऊंगा, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो है सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, इसका नाम है फोटोशॉप। और वैसे तो ऑनलाइन भी आप कर सकते हो लेकिन उसके लिए आपको नेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो और इसके लिए आपको नेट की भी जरूरत नहीं है। आप इसे इंपोर्ट, इसकी फाइल को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो किसी भी फॉर्मेट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इसकी फाइल में जाएं और ओपन पर क्लिक करें जो भी आपको फाइल लेनी है। देखिए, सबसे पहले मैं ये जो मेरी पिक है इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे। तो मेरी पिक देखिए यहाँ पर फोटोशॉप में आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन इनमें से सिर्फ तीन ऐसे टूल्स हैं जिनसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लेयर है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और ये जहाँ पर ये लॉक लगा है, जहाँ पर ये लॉक लगा आप इसे इसके यहाँ पर डबल क्लिक कीजिए और इसके लॉक को ओपन कर लीजिए। आपने लेयर का नेम अगर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। चलिए मैं इसका नाम आरएस रखता हूँ। उसके बाद ओके, लॉक ओपन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड, ये सबसे पहले तो ये वाला टूल है जिसका नाम है मैजिक वैन टूल। सबसे पहले मैं इसको बड़ी करता हूँ इमेज को। देखिए मैजिक वैन टूल, ये देखिए जो मैजिक वैन टूल है इसकी सहायता से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, उसके बाद हम इसको क्लिक करके उतना उसका पोर्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए ये डिलीट बटन से उतना एरिया सिलेक्ट करेगा जितना ये कर सकता है, यानी कि ये एरिया इसने सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये अच्छी तरह से इससे मतलब आप बैकग्राउंड को रिमूव नहीं कर सकते हो। आप इसे पार्ट में, जैसे ये देखिए मैंने ये इसको डिलीट कर दिया, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर ये डिलीट करेंगे, लेकिन जब हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर जो देखिए थोड़े थोड़े से रह गए हैं इसके, जो ये देखिए ये अच्छी तरह से जो है वो बैकग्राउंड को डिलीट नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तो ये टूल था बैकग्राउंड को डिलीट करने के लिए। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि दूसरा टूल कौन सा है। तो ये देखिए दूसरा टूल है पॉलीगॉन लासो टूल। फ्रेंड्स, ये सबसे बेस्ट है, आप मेरी जितनी भी वीडियो देखते हो अगर थंबनेल मैं बनाता हूँ तो इसी टूल की मदद से। देखिए इसका आपको एक एक पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसका ये बेनिफिट है कि इससे आपकी जो बैकग्राउंड की रिमूविंग है आप उसको बहुत अच्छी तरह से आप उसको रिमूव कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, डिलीट और कंट्रोल डी, ये देखिए इससे आप बहुत ही आसानी तरीके से, अगर आप उसको जूम करना चाहते हो आप कंट्रोल प्लस से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये देखिए आप इससे बहुत आसानी से जो कि आप इसकी जो बैकग्राउंड है वो रिमूव कर सकते हो। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। एक तो था ये टूल फ्रेंड्स, एक और टूल है वो है मैजिक लासो टूल। ये देखिए फ्रेंड, ये टूल जितना आप सिलेक्ट करेंगे पोर्शन उतने ही पोर्शन को सिलेक्ट करेगा। ये देखिए आपको बस माउस का जो क्लिक है वो छोड़ना नहीं है। ये देखिए अगर हमने इतना पोर्शन क्लिक किया तो ये इतने को सिलेक्ट करेगा, डिलीट कंट्रोल डी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये उतने को ही सिलेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, एक तो मतलब के ये है टूल, ये तरीका है जिससे आप मतलब के अपनी इमेज की बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो। वैसे तो मैं ज्यादा आपको बताऊं कि मैं मैजिक टूल का इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं मैजिक टूल का इस्तेमाल करता हूँ। जो थोड़ी बहुत रह जाती है वो मैं फ्रेंड्स जूम करने के बाद मैं जो ये मैंने आपको टूल बताया था पॉलीगॉन लासो टूल, कुछ मैं इसे सिलेक्ट करके इस तरह से देखिए इसे डिलीट कर देता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, कंट्रोल डी, ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी मदद से ऐसे कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फाइल को सेव किया हुआ है। अब देखिए उसको मैं आपको दिखाने के लिए एक कोरलड्रॉ में पेस्ट करूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इसकी बैकग्राउंड को कट करके रिमूव करके कुछ इस तरह की इसकी बैकग्राउंड बनेगी। ये देखिए बैकग्राउंड जो उसको बैक वाली है वो रिमूव हो चुकी है फ्रेंड्स।
एक तो ये तरीका है। उसके बाद फ्रेंड एक मैं आपको और फाइल दिखाता हूँ फ्रेंड्स, ओपन फाइल ओपन। देखिए ये मेरा लोगो है, उसी तरह इसकी बैकग्राउंड को पहले हमने ओपन कर ले, ओके कर लेना है फ्रेंड्स। लेयर का अगर आप नाम रखना चाहते हो आप रख सकते हो। ये वाला टूल फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये वाली मेरी सबसे पहले ये वाली जो पिक्चर है, ये कई बार जो मैंने आपको लास्ट टूल बताया है उससे पूरी तरह से कटिंग नहीं करेगी क्योंकि ये बैकग्राउंड वाइट नहीं है। देखिए इसकी बैकग्राउंड वाइट है, अगर हम इसको ये मैजिक वैन टूल से इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत जल्दी देखिए इसको डिलीट करेगा और एकदम से इसको बिल्कुल सही तरह से प्रॉपर वे से इसकी जो है कटिंग करेगा। डिलीट कंट्रोल डी। अब देखिए मैं आपको इसको सेव भी करके दिखाता हूँ, हम इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं R SS के नाम से सेव। ये देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ इसको कोरल ड्रॉ में ओपन करके, ये भी एकदम से इसकी बैकग्राउंड जो है कटिंग हो चुकी है व्हाइट वाली। ये देखिए सिर्फ लोगो रह गया है पीछे वाली। ये देखिए ये जो इसके पीछे वाली जो ये व्हाइट वाली बैकग्राउंड थी, अब ये फोटो नहीं आ रही है। ये देखिए इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी भी चेक करवा दूं फ्रेंड्स, ये एडोब फोटोशॉप की p.tsg फाइल बन चुकी है। ये इमेज फाइल थी फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आपको प्रूफ भी दे रहा हूँ, ये JPG है वो PDF है TSG फाइल। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए इस फाइल को अगर आप सेव करेंगे, ये देखिए यहाँ पर फॉर्मेट, आप इसे किसी भी फॉर्मेट में PNG में, फोटोशॉप में, BMP में, JPG में, TIF में, PCT या CDR में, आप इसको किसी भी फॉर्मेट में आप इसको सेव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, मैंने बहुत ही शांत तरीके से आपको बताया था फ्रेंड्स ये आप बैकग्राउंड मैं इन्हीं सॉफ्टवेयर की मदद से, इन्हीं टूल की मदद से जो अपनी बैकग्राउंड को वो चेंज करता हूँ। फ्रेंड्स आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।